नमस्कार, फिर नेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा। और आइए हम नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। क्षेत्र में कोरोना का संकट अभी टला नहीं है। जनवरी माह से अब तक के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो रतनगढ़ में 811 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। विभाग को मिली रिपोर्ट के आधार पर आज जिला अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर सहित 3 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिनमें गांव हामूसर का 30 वर्षीय एवं वार्ड संख्या 42 का 23 वर्षीय युवक भी शामिल है। वहीं 2 लोग आज रिकवर हुए हैं। क्षेत्र में कोरोना के 16 केस अभी भी एक्टिव है। श्री बणी राजपूत छात्रावास गांधीनगर चूरू में आज स्मृति शेष सांसद मोहर सिंह राठौर की 37वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री व विधायक राजेंद्र राठौर, समिति अध्यक्ष पदम सिंह राठौर, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण सहित अनेक गणमान्य नागरिकों ने स्वर्गीय मोहर सिंह राठौर की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। सभा को संबोधित करते हुए राठौर ने कहा कि स्वर्गीय मोहर सिंह राठौर एक ईमानदार और ऊंची सोच रखने वाले, कमजोर तबके और गरीबों की सेवा को तत्पर रहने वाले विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने उस समय डेढ़राज भर्ती अस्पताल, बालिका महाविद्यालय, गोयनका स्कूल जैसी कई शिक्षण संस्थाओं को शुरू करवाकर अपने जन सेवा की भावना का परिचय दिया तथा आज से 50 साल पहले इस छात्रावास की 6.5 बीघा जमीन को समाज के लिए आवंटित करवाया, जो उनकी शिक्षा के प्रति जागरूकता एवं दूरदर्शिता का परिचय देती है। वे रोज कलेक्ट्रेट इसलिए जाते थे ताकि वहाँ कोई गरीब आदमी का काम करवाना हो तो वह जाकर अधिकारियों के पास उसका काम स्वयं जाकर करवा सके। नकारात्मक ये आपके दिलो दिमाग में मत लाना और कभी अपने आप को ये मत समझना आप बहुत बड़े हो। अगर छोटा बनकर काम प्रारंभ करोगे तो कामयाबी मिलेगी। मैं समझता हूं कि मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। आज हम लोग यहां से इस सभा स्थल पर आए तब भी मन में बात आई कि वहां तक मोटर जाएगी क्या। पैदल चलना, रुकते रुकते चलना और रोज प्रतिदिन सिर्फ अदालत में, कलेक्ट्रेट में इसलिए जाना कि वहां कोई आए तो कागज को साइड से मोड़कर उसमें खुद ही लिखना और खुद ही खड़े होकर कहना चल कलेक्टर के पास चलते हैं, चल तहसीलदार के पास चलते हैं। और एक विधायक रहते हुए भी तहसीलदार अगर इजलास में बैठा है तो सामने खड़े होकर कागज देना कोई बिरला व्यक्ति कर सकता है। आज तो हम सब लोग जो अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं गुस्सा और अहंकार नाक में लेकर चलते हैं। कितनी बड़ी बात थी। अभी एक कार्यक्रम में भगत सिंह जी सारण प्रोफेसर सेवानिवृत्त हो गए, मुझसे मिलने आए, हम बात कर रहे थे। उन्होंने प्रसंग चलाया कि मोहर सिंह जी कॉलेज में आए, विद्यार्थियों ने अभद्रता की, धोती खोलने की कोशिश की, अनशन पर बैठ गए। पुलिस के एसपी दूसरे अधिकारी आए, उद्दंडियों के नाम बताओ। उन्होंने कहा नहीं, मैं मेरे बारे में सोच रहा हूं कि मेरे व्यवहार में, मेरे काम में कोई ना कोई कमी रही होगी, इसलिए मैं अनशन करूंगा। आज का समय हो, अगर किसी को तू कह दे तो उसी समय खून खच्चर और उसके बाद थोड़ी देर में पुलिस का आना हो जाता है। ऐसे व्यक्ति मैं समझता हूं कि आज 37 साल बाद हम एक आजाद शत्रु को शेष स्मृतियों में स्मृतियों को याद कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि आदर्श जीवन जिया। कई बार जब इनके परिवार की ओर देखते, मुझे वो समय याद है, मोहर सिंह जी एमपी थे, मैं यहां से पहला चुनाव लड़ रहा था। मैंने कहा देवी सिंह जी इनके सुपुत्र हैं, मेरे को किसी ने कहा वो ऊंट पर जो बैठे हैं पीछे ऊंट के गाड़े में पानी की टंकी है वो उनके पुत्र हैं। रतनगढ़ स्टेशन सड़क मार्ग पर पिछले 3 दिनों से गंदा पानी एकत्रित होने तथा उक्त स्थान पर लगे खंभे से करंट आने से हुई सांड की मौत के बाद आज बवाल मच गया। शहर के कुछ लोगों ने स्टेशन सड़क मार्ग को कुछ देर के लिए जाम कर दिया तथा पालिका प्रशासन व जोधपुर डिस्कॉम के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों से समझाइश की, तब जाकर समस्या का समाधान हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्टेशन सड़क मार्ग पर शहर में हुई बारिश के बाद गंदा पानी एकत्रित है, जिसका पिछले 3 दिनों से निकास संभव नहीं हो पाया है। वहीं बीती रात जिला अस्पताल के सामने
सड़क मार्ग पर लगे एक पोल से करंट आ जाने से सांड की मौत हो गई थी। बुधवार को शहर के विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने इस बात को लेकर प्रदर्शन किया तथा आवागमन को अवरुद्ध कर दिया। घटना की सूचना पर जोधपुर डिस्कॉम व पालिका के अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा आक्रोशित लोगों से समझाइश की। वहीं SDM बिजेंद्र सिंह ने बताया कि समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, तब जाकर माहौल शांत हुआ। आपके सामने जो पोल है, भी से कोई गोदो है जो करंट लाग के खत्म हुआ है। इससे 2-2.5 साल पहले भी एक महिला की मृत्यु हुई है करंट लागने से। और जब मैं PO साहब ने फोन करियो तो वह बोल रहे हैं कि हमारी कोई जवाबदारी को नहीं। बिजली बोर्ड में फोन करियो, वह बोल रहे हैं हमारी कोई जवाबदारी को नहीं। चेयरमैन साहब को बात करें तो बांगो भी रुख थोड़ो सो समझ में कोनी है, नरम रुख कोनी हो। मैं निवेदन करी हुआ कम से कम जगह संबंधित अधिकारी हैं जो भी हैं बैठे पहुंचे और मन संतुष्ट करे चीज के लिए कि भविष्य में कोई भी तरीका की चीज घटना न हो, पर मैं रोकथाम लगा छा और मैं मारो पूर्ण प्रयास कर छा। जदि मैं अटो रस्तो खाली कर छा वरना डा जाम लाग सी और जाम बड़ी बी रहसी फिर रेगुलर और बढ़ता करूँ न तो गोदन उठा सको और आई सिस्टम रहसी फिर। चूरू में मानसून के आरंभ के साथ ही प्रथम वर्षा हुई। लगातार 3 दिन और रात से बरस रहे पानी से एक तरफ चूरू शहरवासियों को तेज गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ चूरू शहर के कुछ निचले इलाकों जैसे वार्ड संख्या 55, 56, चेजारों का मोहल्ला, भाईजी चौक, झारिया की मोरी, जोहरी सागर इत्यादि क्षेत्रों के अंदर वर्षा के दूषित जल के भर जाने से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। आज चूरू जिला मुख्यालय पर मानसून के प्रारंभ के साथ ही प्रथम वर्षा हुई, जिसके कारण शहरवासियों को तेज गर्मी से राहत की सांस मिली है। दूसरी तरफ शहर के कुछ निचले इलाके जैसे वार्ड नंबर 55, 56, चेजारों का मोहल्ला, भाईजी चौक, झारिये की मोरी, जोरी सागर इत्यादि क्षेत्रों के अंदर वर्षा के दूषित जल के भर जाने के कारण जनजीवन भी प्रभावित। रतनगढ़ भाजपा मंडल द्वारा जनसंघ के संस्थापक सदस्य सुंदर सिंह भंडारी की पुण्यतिथि पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्ष के कार्यकाल में किए गए कार्यों व योजनाओं का बुकलेट प्रपत्र आम जन को वितरित किया गया। शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में कार्यकर्ता बस स्टैंड पहुंचे तथा प्रपत्र को वितरित किया। इंदौरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने बेमिसाल 8 वर्षों में कई ऐतिहासिक फैसलों से जनता को लाभ पहुंचाया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने ऐसी कई अहम योजना लागू की है जिनसे धरातल पर गरीब किसान, युवाओं व महिलाओं को लाभ मिला है। पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा ने कहा कि भाजपा संगठन का मूल मंत्र अंत्योदय ही है, जिससे हर भारतीय के जीवन को सुगम बनाने का काम भाजपा पूरी लगन से कर रही है। इस अवसर पर भाजपा नेता दीनदयाल पारिक, भरत सैनी, रमेश कुमार पारिक सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल के नेतृत्व में और हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय शिव भगवान कम्मा और दीनदयाल जी पारिक, इनके नेतृत्व में आज सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ स्थानीय बस स्टैंड से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने बहुत ही शानदार 8 साल पूरे किए हैं। उनके 8 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनके 8 साल का ये जो काम उन्होंने करवाए हैं उनके पत्रक हम बांट रहे हैं। ये पत्रक तभी बांटे जा सकते हैं जब कोई काम किया जाता है। मोदी जी ने जमीनी स्तर पर काम किया है, हवा में बातें नहीं किए। अन्य जो राजनीतिक दल है वो हवा में बातें करते हैं, इसलिए पत्रक को बांटना बहुत दूर की बात है। लेकिन मोदी जी ने निरंतर लगातार काम किए, जो सारे के सारे काम 8 साल में किए हैं वो इस पत्रक में सारे दर्शाए हुए हैं। और आज ये पत्रक हम सभी लोगों को दे रहे हैं और सबसे यही कह रहे हैं कि इसमें जितने भी काम जो लिखे हुए हैं वो सारे मोदी जी ने अपने 8 साल के कार्यकाल में किए, वो चाहे धारा 370 को हटाना हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, ये सारे के सारे काम मोदी जी ने जमीन स्तर पर किए हैं। और अभी अभी सेना में भर्ती का जो उन्होंने बहुत ही शानदार जो 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती का जो उन्होंने निकाला है वो भी बहुत शानदार योजना है। कुछ लोग जो है अग्निवीर के रूप में उन्होंने जो निकाला है, कुछ लोग जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उसका विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही शानदार स्कीम है, योजना है। और यहाँ ही नहीं, पूरे न जाने कितने देशों में ऐसी योजना पहले से लागू है। तो मैं सभी से आपके इस माध्यम से अपील करूंगा कि इस योजना को समझें, लोगों के बहकावे में नहीं आए। मोदी जी ने जो भी काम किया है वो देश हित में किया है और ये भी योजना देश हित में ही है, इसलिए सभी से मेरा आग्रह है आप इस पत्र को पढ़ें और मोदी जी के साथ।
देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में हो रहे कार्यक्रमों के सिलसिले में आज जिला प्रशासन एवं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से जनसंपर्क विभाग तथा अहिंसा प्रकोष्ठ के सहयोग से सन 57 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले अमरचंद बाठिया के शहादत दिवस पर सूचना केंद्र में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कोषाधिकारी रामधन ने कहा कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम लंबे समय तक चला और इसमें लाखों ज्ञात अज्ञात योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया। अमरचंद बाठिया देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम की बड़ी ताकत थे, जिन्होंने लड़ने वाली सेनाओं के लिए तमाम प्रबंध किया और अंग्रेजों के सामने झुके नहीं। उन्होंने कहा कि बाठिया जैसे अमर बलिदानियों के दम पर ही हमें आज़ादी मिली है और आज हम सारे नागरिक अधिकारों का उपभोग करने की स्थिति में है। मुख्य वक्ता युवा साहित्यकार बुद्धमल सैरी ने अमरचंद बाठिया के व्यक्तित्व और योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाठिया ने दुश्मन के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया और अपने प्राणों का बलिदान दिया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार भगवान सैनी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अरविंद ओला, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। रतनगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर दिए जा रहे ज्ञापन की कड़ी में आज विप्र फाउंडेशन इकाई ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम SDM विजेंद्र सिंह को एक ज्ञापन दिया है। संगठन के द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि भौगोलिक दृष्टि से रतनगढ़ जिला बनाने योग्य है। इसके अलावा रतनगढ़ के पड़िहारा में हवाई पट्टी भी है। इस अवसर पर ब्राह्मण आरक्षण मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष महावीर महर्षि, विप्र फाउंडेशन के अध्यक्ष दिलीप महर्षि, युवा अध्यक्ष धीरेन्द्र शर्मा आदि उपस्थित रहे। विप्र फाउंडेशन मेन बॉडी युवा प्रकोष्ठ दोनों की तरफ से आज उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया गया है, जिसमें जिला बनाने के लिए रतनगढ़ को जिला बनाने की मांग की गई है, क्योंकि रतनगढ़ में मूलभूत पूरी आवश्यकता है। रतनगढ़ जिला अस्पताल है की घोषणा हो चुकी है, NH 11 लगता है, दो नेशनल हाईवे, एक नेशनल हाईवे, एक हनुमानगढ़ हाईवे लगता है इस पर, और इसमें मूलभूत पूरी आवश्यकता है। SDM कोर्ट यहाँ पे है, SEGM कोर्ट यहाँ पे है, ADJ कोर्ट यहाँ पे उपस्थित है, इसीलिए रतनगढ़ को पूर्ण जोर से विप्र फाउंडेशन की तरफ से ज्ञापन दिया गया है, जिसमें जिले बनाने की मांग की गई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहा के निर्देशानुसार सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की मंशानुरूप कच्ची बस्ती वासियों को लाभान्वित करने के लिए आज जन सुविधा शिविर का आयोजन कर लाभान्वित किया गया। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की ओर से आयोजित शिविर में बस्तीवासियों को वृद्धावस्था पेंशन, खाद्य सुरक्षा, जन आधार एवं अन्य योजनाओं यथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना व पालनहार की जानकारी दी गई। मौके पर ही 5 वृद्धावस्था पेंशन, 3 पालनहार योजना के योग्य लाभार्थियों की पहचान कर पेंशन स्वीकृति हेतु सामाजिक अधिकारिता विभाग चूरू को सूची उपलब्ध करवाई गई। वह एक लाभार्थी जीता देवी को मौके पर विभाग की ओर से PPO विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जिले में संचालित छात्रावासों में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अरविंद ओला ने बताया कि जिले में विद्यालय स्तरीय कुल 16 तथा छात्राओं हेतु महाविद्यालय स्तरीय राजकीय छात्रावास का संचालन किया जा रहा है। समस्त छात्रावासों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में प्रवेश हेतु विभागीय गाइडलाइन के अनुसार आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा। छात्रावास में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 जून से प्रारंभ कर दी गई है। पेपरलेस ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत विद्यार्थी अपने गांव ढाणी के नज़दीक साइबर कैफे, ई मित्र, निजी इंटरनेट कनेक्शन धारक से विभागीय छात्रावासों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र sso.rajasthan.gov.in पर HSMS के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में छात्र छात्राओं से संबंधित जानकारी जनाधार पोर्टल से ऑनलाइन ली जाएगी। ओला ने बताया कि विभाग के छात्रावासों में आवासरत विद्यार्थियों को रहने खाने की सुविधा विभाग द्वारा निशुल्क दी जाती है तथा छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म हेतु विभाग द्वारा सहायता राशि दी जाती है। साथ ही कक्षा 9 से 12 तक विद्यार्थियों को कठिन विषयों हेतु निःशुल्क कोचिंग सुविधा विद्या संबल योजना अंतर्गत प्रदान की जाती है। रतनगढ़ की चिरंजीलाल धानुका प्राथमिक स्कूल एवं श्री दुर्गा प्रसाद धानुका बालिका प्राथमिक स्कूल का संयुक्त प्रतिभा सम्मान समारोह आज आदर्श विद्या मंदिर में आयोजित किया गया। इस दौरान कक्षा 5 बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। स्कूल समिति के अध्यक्ष मदनलाल कम्मा, व्यवस्थापक दौलत राम दायमा,
सत्यनारायण दर्जी एवं वीरेंद्र कुमार सहेल के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सभी बालकों का माला पहनाकर प्रतीक चिन्ह देकर एवं मिठाई खिलाकर सम्मान किया गया। आज स्थानीय विद्यालय धानुका परिसर में पंचमी कक्षा के भैयाओं बहनों का प्रतिभा का सम्मान किया गया। उनमें जिन भैयाओं ने ए ग्रेड प्राप्त किया था उन सभी भैया और बहनों का प्रतीक चिन्ह देकर के मिठाई खिलाकर सम्मान किया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए 24 जून 2022 को चूरू शहर में बजाज गेस्ट हाउस चांदनी चौक चूरू में खाद्य लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन शिविर आयोजित किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा टीम ने आज चूरू शहर में व्यापारियों को इस शिविर के बारे में जानकारी दी। इस दौरान व्यापार संघ के पदाधिकारियों व खाद्य कारोबारियों से शिविर में लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त सुनील कुमार की ओर से जारी दिशा निर्देशानुसार चूरू कस्बे के आसपास के क्षेत्र में जुड़े खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष शिविर लगाया जाएगा। डॉक्टर शर्मा ने सभी प्रकार के खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि इन शिविरों में पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस बनवाएं। घर में सो रही विवाहिता से देवर द्वारा छेड़छाड़ करने एवं विरोध जताने पर उसके साथ मारपीट करने का मुकदमा आज रतनगढ़ पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। पुलिस ने तहसील के गांव भोजासर निवासी 35 वर्षीय विवाहिता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि विवाहिता ने अपने पति के साथ थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि 17 जून की रात वह अपने घर में चारपाई पर सो रही थी। इस दौरान रिश्ते में देवर उसके घर पर आया तथा उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। अचानक उठकर देखा तो वह घबरा गई और विरोध जताने लगी। इस बात पर देवर ने विवाहिता के साथ मारपीट की तो उसने शोर मचाया। शोर शराबा सुनकर विवाहिता का पति मौके पर पहुंच गया तो आरोपी देवर वहां से फरार हो गया। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।